हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी जो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है मॉक टेस्ट पेपर ओल्ड सिलेबस के लिए। बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है बहुत कुछ समझाने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैनुअल से कवर किए गए हैं। तो पीएम के ही क्वेश्चन है तो मैं समझाऊँ क्या। तो जो मैं अब यहाँ जो भी डिस्कशन करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज़्यादा लॉजिक समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका किया हुआ है। मैं बस थोड़े थोड़े पॉइंट डिस्कस करूँगा। इट मीन्स मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्लासेस जो अभी जो आज जो वीडियो में मैं समझाऊँगा, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ताकि फटाफट से पूरा की पूरा MTP यहीं कवर हो जाए। तो MTP आपके सामने है, मेथड ये है, ये MTP कहाँ से है, ICAI, ये क्वेश्चंस है, और इस साइड देखोगे तो इस साइड आंसर्स है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा क्वेश्चंस रीड करूँगा, उसका आंसर यहीं के यहीं डिस्कस करूँगा। मैं अपनी मेथड से कुछ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। जो भी इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर दिया, सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया है, उसी प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ डिस्कशन कर दूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सोचोगे कि पता नहीं सर, पहले तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाते थे, लॉजिक से, एग्जांपल से, पहले एग्जांपल करवाते उसके बाद, पर यहाँ तो फटाफट से बेटे वो सिर्फ MTP डिस्कशन करना। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, MTP आपके पास है तो आप खोल सकते हैं, और ये तो आपका इंटरेस्ट रेट कैप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल से उठाया गया। जरा देखते थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लूँ, ज़्यादा अच्छा। चलो जी देखते हैं कि क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो लिखा XYZ लिमिटेड बोरो पाउंड 15 मिलियंस, बोरो कर रहा है, क्या बोरो कर रहा है, पाउंड कितना मिलियंस, 15 मिलियंस, रेट ले लेते हैं, हाँ 15 मिलियंस पाउंड बोरो कर रहा है, ठीक है, बोरो कर रहा है, और किस रेट पर, फ्लोटिंग, 6 मंथ फ्लोटिंग, 6 मंथ फ्लोटिंग रेट मतलब लाइबोर प्लस 10%। फ्लोटिंग रेट पे बोरो करने से लॉस क्या है, लॉस ये है कि यार एक बेस रेट है, अगर लाइबोर बढ़ेगा, लाइबोर वगैरह क्या होता है ये भाई समझदार हो आप लोग, अगर लाइबोर बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मुझको डर, किस बात का डर है, डर इस बात का है कहीं लाइबोर फ्यूचर में बढ़ ना जाए, क्योंकि मैं 6-6 माह में लाइबोर चेंज होगा तो मुझे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोरो कर रहा हूँ, बोरो, अच्छा डर तो है भाई, किस बात का डर है, कहीं लाइबोर बढ़ ना जाए, और उस डर से बचने के लिए आप चाहो तो, डर से बचना, किस बात का डर, कहीं रेट बढ़ ना जाए, उस बात से, उस चीज से डरते हो, तो उसको डरने के लिए से बचा जा सकता है, उस रिस्क से बचा जा सकता है, आप बदले में इंटरेस्ट रेट कैप परचेस कर सकते हो। सर कैप क्या होता है, कैप मतलब मैं किसी बैंक से जाकर बात कर लूं कि भाई एक पर्टिकुलर रेट से अगर ऊपर जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा, एक रेट मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ, कॉल ऑप्शन की तरह होता है, कॉल ऑप्शन तो पता है, एक पुट ऑप्शन होता है जिसपे वो फ्लोर बोलते हैं, खैर मुझे पूरा डिस्कशन नहीं करना है। तो क्या बोल रहा है, आपने कितने मंथ के लिए, 24 मंथ्स के लिए बोरो किया, 24 मंथ, 6-6 माह में, 6 महीने में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 6 महीने में, फिर 6 महीने में, 6 महीने, ओके 24 मंथ। आगे कंपनी एंटिसिपेट अ राइज इन लाइबोर, ये लो भाई बोरो तो कर लिया, अब क्या सोच रहे हो, कहीं लाइबोर का रेट बढ़ ना जाए, और लाइबोर का रेट बढ़ेगा तो इसलिए आपने क्या खरीदने का, कैप ऑप्शन खरीद रहे हो बैंकर से, स्ट्राइक रेट कितना है, 8%। इसका मतलब समझना कि मैं जिस किसी बैंक से कैप खरीदा हूं तो उस बैंक से बोला हूं कि सुनो साहब, सुनो, अगर लाइबोर बढ़ा, कैप खरीदा हूं ना मैंने, अगर लाइबोर बढ़ा 8% से ऊपर गया तो मुझे जो डिफरेंस है ना वो आप पे ऑफ दे देना। इट मीन्स अगर सर लाइबोर 10% हुआ तो मैंने कैप कितने परसेंट पे खरीदा, 8%, तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस कितना परसेंट मिलेगा, 2%। सर किसका, ये जो भी 15 मिलियंस है उसका। अगर सर लाइबोर 11% हो गया तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, कितना डिफरेंस मिल जाएगा, 3%। और सर लाइबोर कम हुआ तो टेंशन ही खत्म। अच्छा सर, तो ये होता है, हाँ
इट मीन्स स्ट्राइक रेट कितना है 8% और 8% से ऊपर जाएगा तो मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, अगर 8% से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। सर ये तो कॉल ऑप्शन की तरह। हाँ बेटे हाँ, कॉल ऑप्शन ही है, ठीक है, पर आपको पता है ऑप्शन में क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। तो यहां भी आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है, कितना परसेंट, 1% लिखा लमसम फॉर द एंटायर रिसेट पीरियड। एंटायर रिसेट पूरे पीरियड का मतलब कितने पीरियड है, 24 महीने। सर प्रीमियम का थोड़ा गड़बड़ नहीं है, मतलब प्रीमियम तो जब जब हम कैप खरीदेंगे तब तब देंगे, तो जब पहले 6 माह, फिर उसके बाद फिर 6 माह, हम तो अच्छे से 4 बार प्रीमियम देंगे। हाँ बेटे, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक साथ देना है, कितना परसेंट देना है, 1% कैप, 1% प्रीमियम देना है, ठीक है। आगे देखा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% पर एनम। सर ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ काम आएगा, काम आएगा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक्चुअल पोजीशन ऑफ लायबोर ये हो गया 9%, 9.5, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ पीरियड नहीं दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हैज थ्रू कैप ऑप्शन फॉर कैलकुलेशन, वर्क आउट फिगर एट ईच स्टेज टू 4 decimal points एंड अमाउंट नियरेस्ट टू पाउंड। अब समझने की ये कोशिश करना कि लायबोर कितना परसेंट पे कैप खरीदा आपने, कितने परसेंट से, 8% से। आपको डर है, और डर किस बात का है कि लायबोर का रेट अगर बढ़ेगा, लायबोर बढ़ेगा तो मुझे बाहर वाले को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इधर क्योंकि मैंने कैप खरीदा तो मुझे मिलेगा भी। तो अगर सोचो कैप 8% स्ट्राइक रेट है, अगर 9% हो गया, 9% तो मैं जीत गया, कितने परसेंट, नो डाउट कि मुझे उधर जिससे मैंने उधार लिया मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, पर डिफरेंस मिल भी तो जाएगा, कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा मुझे, 1%, मैं जीत गया, एक्सरसाइज करूंगा, 1% मिलेगा। अमाउंट का कैलकुलेशन बाद में, अगर 9.5% है तो भी मैं जीत गया, मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा, 1.5%। अगर 10% हो गया लाइबोर तो भी मैं जीत गया, कितना परसेंट मिलेगा, 2%। अब इतना प्रॉब्लम क्या है, कुछ है नहीं है क्वेश्चन, प्रॉब्लम है कि सर ये क्या कैलकुलेशन किया गया, ये अजीब सा कैलकुलेशन है क्या। बेटे अजीब सा कैलकुलेशन बस इतनी सी बात है, क्योंकि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो प्रीमियम कितना कैलकुलेट कर ले, प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते कितना मिलियन, 15 मिलियन, ये लो 15 मिलियन का कितना परसेंट, 1%। तो ये आ गया साहब पाउंड 1,50,000, और 1,50,000 क्या चीज है, 1,50,000 है आपका प्रीमियम अमाउंट, और 1,50,000 जो प्रीमियम अमाउंट है वो मुझे एक बार बताओ हर 6-6 महीने का 1,50,000 है कि पूरे मतलब पूरे 2 साल के लिए 1,50,000 है। यहां तक बात समझ में आ रही है, यस। अब सुनो क्या, अब सुनोगे बेटे ठीक से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, जबकि 1,50,000 है कितने साल का, 2 साल का, तो हर 6-6 महीने का कितना सर, तो डिवाइड मतलब कितने, आप एक बात, हाफ ईयरली कितने हो गए, 6 महीने, ऐसे तो 4 बार हो गए, तो बताओ हर बार, क्योंकि हर बार लाइबोर तो हर बार चेंज होगा, 24 मंथ लिखा है, इट मीन्स 6 मंथ, हर 6-6 माह के लिए आपने प्रीमियम दिया, इट मीन्स आपने 4 पीरियड का प्रीमियम दिया है। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल ये होता है कि बताओ हर 1,50,000 टोटल 4 पीरियड का है, तो 1 पीरियड का कितना प्रीमियम सर, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। बिट इट, आप अगर डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दोगे, और मुझे वही कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करें, ये पहले साल का एक्स, एज्यूम कर रहे कि प्रीमियम अमाउंट एक्स है, तो उसको प्रेजेंट फर्स्ट पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब एक्स एक्स एक्स। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का बेटे, फिक्स 7% का, 7% उससे डिस्काउंटिंग करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा आपको, तो 7% तो 6 महीने का कितना आएगा, 3.5%, 3.5, तो 1 / 1.035 इक्वल टू करो तो यहां गया 0.966
और यहाँ फिर इक्वल टू करोगे 0.933 जी, इस तरह से होगा। तो क्या x की वैल्यू हो निकल जाएगा? हाँ सर, इन सब को हम जोड़ लेंगे फैक्टर को, और जोड़ के फिर हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 1 / 1.035 इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, और फिर GT प्रेस करो। तो ये आ गया 3.673, और 150,000 डिवाइडेड बाय 3.673। तो क्या आंसर आ गया प्रीमियम का? यस, 40861 के। बेटे ये भी यही किया, बस फैक्टर में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। यहाँ क्या किया, यहाँ निकाला इन्होंने 15 मिलियंस का 1% इन्होंने निकाला। तो ये आ गया होगा आपका कितना, 1,50,000 प्रीमियम अमाउंट डिवाइडेड बाय, देखो ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, सबको ऐड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 40861। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था। अब अगर मैं आगे चलूं, अब आगे आगे यहां तक बात हमारे समझ में आ चुकी है पूरी तरह से। अब समझो, इट मीन्स कहां तक बात निकल चुकी है, 40861 हो चुका है। अब बेटे, अब काम की चीजें अब समझते जाना। अब इन्होंने ये टेबल बनाया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ भी होना चाहिए, पर फोर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब समझो, अगर लाइबोर 9% हो गया जबकि बैटिंग कितने हैं 8%, तो अब हमको फायदा हुआ, इट मीन्स हमको एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, लाइबोर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एडिशनल इंटरेस्ट ड्यू टू राइज, एडिशनल इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कितना निकाल लो, कितना हिसाब होता है, कैसे निकालोगे, कितना है 15 मिलियंस का डिफरेंस कितना आ गया, 1% एक्स्ट्रा इंटू 6/12, निकालो बेटे कितना हो रहा है, एक परसेंट इंटू 6/12, तो बेटे आ गया 75,000। आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 75,000, पर दूसरी बैंक से रिकवर कितना हो जाएगा, 75,000। तो क्लियर हो गया, बात खत्म। और प्रीमियम पेड कितना किया आपने, 40861। तो यहां आ जाएगा नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, इट मीन्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हाँ तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं ये डिस्कस कर रहा था बेटे कि देखो, मैं कैप में मैं जीता कितना, 75,000, ये 75,000 है, कितने परसेंट से, 1% से जीता, पर सामने वाला को प्रीमियम भी तो पैट कर रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस पे ऑफ। अगर मैं कहूँ इस कॉलम की मुझे ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा, तो ये है मेरा ग्रॉस पे ऑफ, इतना जीता इतना प्रीमियम, और इसमें से मैंने प्रीमियम है, तो नेट पे ऑफ मेरा आ गया 34139। ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ यहाँ की बात करो, तो यहाँ बोलो बुट्टी कितना, 1.5%, यहाँ जाएगा 1.5%। अगर मैं 15 मिलियन का 1.5% इंटू 6/12, तो यह गया मैं कितना जीता, 1,12,500, पर प्रीमियम 40861 वो काटने के बाद नेट मुझे इतना मिलेगा, और नेट मुझे इतना मिलेगा, यहाँ कितने परसेंट से जीता, 2% से। तो इस तरह से मुझे नो डाउट इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पर इतना मेरा फायदा भी तो हो रहा है। तो बस वही है कि दस फ्रॉम अबो इट कैन बी सीन दैट इंटरेस्ट रेट अमाउंट इतना आपका है, पर रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 214917 से, किसके, कैप ऑप्शन के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा, सर ये अमाउंट का यहाँ इस कॉलम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस कॉलम की ज़रूरत बस इसलिए पड़ी कि हम टोटल दिखा रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, पर कैप ऑप्शन की वजह से हमारा इंटरेस्ट इतना बच रहा है। हाँ, अगर प्रीमियम का चक्कर नहीं होता तो जितना एक्स्ट्रा दे रहे उतना एक्स्ट्रा मिल जाता, बात खत्म।
तो ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, और भी डिटेल में मैंने कहाँ कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हूँ क्लास में, तो अभी तो यहाँ डिस्कशन करना मुश्किल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है सर, तो अब अगला क्वेश्चन ये बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से, और इसका सॉल्यूशन ही मिलेगा हमें। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, क्या है जरा देख लेते क्वेश्चन में क्या खास बात क्या है। सुनो, क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, और सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स फॉर ए पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब क्या क्या दिया हुआ जरा देखना, मार्केट का रिटर्न दिया है 7% और 25%, पहले कभी था रहा होगा 7 से 25%। तो बोले दो टाइप के स्टॉक है, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। एग्रेसिव स्टॉक में जब मार्केट का रिटर्न था 7 तो इसका था 4, लेकिन मार्केट का रिटर्न बढ़ा तो एग्रेसिव स्टॉक का रिटर्न भी बढ़ गया, और डिफेंसिव का भी बढ़ा पर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा। इट मीन्स बात को समझना, ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, ये कम रिस्क है, ठीक है यहाँ तक। मतलब सर मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक का रिटर्न भी बढ़ता है, हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक का रिटर्न कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और कुछ का थोड़े से कम स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या मांगा है, बीटा मांगा है, बीटा। बीटा मालूम है क्या होता है? हाँ सर, बीटा का मतलब होता है अगर मार्केट डाउन होगा तो स्टॉक भी डाउन होगा, अगर मार्केट 1 से डाउन तो स्टॉक भी 1 से डाउन, तो स्टॉक का बीटा क्या बोलेंगे हम, स्टॉक का बीटा बोलेंगे 1। अगर मार्केट 1% से डाउन पर स्टॉक का जो रिटर्न है वो 2% से डाउन, इट मीन्स मार्केट का रिटर्न थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो स्टॉक का रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, बीटा। अगर किसी स्टॉक का बीटा 3 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सर मार्केट गिरेगा तो स्टॉक भी गिरेगा पर ज़्यादा स्पीड से, 3 गुना ज़्यादा गिरेगा, दिस बीटा। तो बीटा का कैलकुलेशन, अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाता तो बीटा का कैलकुलेशन ईजी है। कैसे? अब देखो बेटे, ये देखो कितना परसेंट से चेंज हुआ, 4 से 40% हो गया, इट मीन्स कितना परसेंट, सर ये हो गया 36%, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 25 माइनस 7, ये कितना हो गया 18, तो बीटा कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मार्केट चेंज इन स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। तो बीटा निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये बीटा इन्होंने निकाला भी है, सारी कहानी दे रखा है, ये बीटा निकला है, ये निकला है 2, ये बीटा 2 निकला है, कैसे, 40 माइनस 4 और 25 माइनस 7, यहाँ बीटा 2, और इसी तरह से इसका बीटा कितना निकल गया, इसका बीटा निकला 0.5। अल्टरनेटिव आप सीएल के थ्रू भी काम कर सकते हो अगर आपको सीएल का नॉलेज है, पर अगर कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं आता है तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव नज में जाकर ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है सर, यहाँ दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में क्या मांगा था, लिखा एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% एंड 25%। बोले मार्केट का रिटर्न इक्वली इक्वल वेट है, 7% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, तो क्या किया इन्होंने, अगर ये 50-50% है तो यहाँ भी 50-50% होगा, तो उन्होंने यही किया, एग्रेसिव स्टॉक में 4 × 0.5 40 × 0.5 वेट देकर 22% ले लिया, और डिफेंसिव स्टॉक का भी 13.5% ले लिया। तो पॉइंट नंबर 2 में कुछ रखा ही नहीं था। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला था देखते हैं। बोले SML ड्रॉ करना है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अच्छे से 3 टाइप की लाइन होती है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है, SML होती है, कैपिटल मार्केट लाइन होती है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अगर बोले RF है 7.5% और मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25%, SML। अगर मैं कहता हूँ CAPM थोड़ा याद है, CAPM, हाँ सर CAPM तो ऐसा होता था RF + RM - RF मल्टीप्लाई किससे करना है, बीटा से। तो क्या RF दिया है, यस 7.5, और RM - RF RM निकाला होगा शायद, RM ये निकला है बेटे, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ मार्केट इक्वली
मतलब इस पे पॉइंट पे ये क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला मार्केट इज इक्वली, तो इन्होंने मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, 0.5 × 7, 0.5 × 16%, तो 16 − 7, 7.5 तो 16 − 7.5 रिस्क प्रीमियम आ गया, तो 8.5 × बीटा। इट मीन्स दिस इज SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इसमें कुछ नहीं है। अगर किसी भी स्टॉक का आपको आंसर निकालना कि स्टॉक का रिटर्न कितना आना चाहिए, बस बीटा चेंज करते जाइए, बाकी इस ये और ये तो फिक्स है, इसे बोला जाता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर देना, बस बात खत्म, ये ड्रॉ हो गया, सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, इसमें तो पॉइंट नंबर 4 पूछा ही नहीं गया, और ये पीएम में पूछा गया था, तो ये पीएम अल्फा अल्फा कैलकुलेट करना था, तो खैर मैं अल्फा के विषय में डिस्कशन नहीं करना, इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम क्यों डिस्कस करें। ठीक है सर, आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखे क्या दिया। अ फर्म हैड बीन पेड डिविडेंड, ये डिविडेंड का क्वेश्चन, हैड बीन पेड, ये न्यू सिलेबस में नहीं है। हैड बीन पेड का मतलब क्या समझते हो, D1 की D0 कितना रुपए डिविडेंड पेड किया जा रहा है, 2 रुपए, ये D0 मिल गया आपको 2 रुपए, लास्ट ईयर भी लिखा हुआ। The estimated growth rate of dividend, from the company is estimated to 5% per annum. Growth rate दी गया 5% per annum. Determine the estimated market price of the equity, मतलब P0 निकालना है। अगर growth rate बढ़ के कितना हो जाए 8% या गिर के कितना हो जाए 3%. Also find out present market price of share if the given required rate of return कितना है 15.5%. Question बिल्कुल simple है। तो 2 रुपए ये सब कहानी है, ये आपका सबसे पहले P0 लेना है, और ग्रोथ रेट कितना परसेंट ले लिया, पहले नंबर पे आपने 5% ले लिया ग्रोथ रेट, ठीक है, दूसरे नंबर पे ग्रोथ रेट कितना परसेंट ले लिया, 8% लेकर फिर आपने P0, सिंपल क्वेश्चन है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है सर, और उसके बाद ग्रोथ रेट कितना ले लिया 3%, और आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1D की, और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सेंसिटिविटी एनालिसिस से क्वेश्चन उठाया गया। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस से जो क्वेश्चन उठाया गया है ना, उसको ध्यान से समझना, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है सेंसिटिविटी एनालिसिस से। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट, एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या क्या दिया हुआ है, अच्छे से समझना इसको। क्या इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है, यस, एनुअल कैश इनफ्लो दे दिया, प्रोजेक्ट का लाइफ दे दिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, और कुछ फैक्टर वैक्टर है। सर मांग क्या रहा है, बिट्टी सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, NPV निकालते हैं, नॉर्मल सर निकाले क्या NPV, हाँ समझाते हुए काम करें कि हाँ बिट्टे सीधी सीधी बात है, NPV क्या है, हर साल कितना जाएगा, 45,000 मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक, डिस्काउंटिंग रेट कितना है 10%, तो उसके हिसाब से क्या NPV निकाल सकते हैं, यस 45,000 10% का फैक्टर है 3.169, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया PVCI, और ये है PVCO, और यहाँ क्या आ गया NPV। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या NPV पॉजिटिव है तो क्या हमें प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आंसर है यस। लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या बोलता, सुनना ध्यान से, सेंसिटिविटी एनालिसिस बोलता है सुनो भाई थोड़ा सा, अभी जो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन थोड़ा बुरा सोच के देखो। हमने कहा बुरा क्या, बोले बुरा ऐसा कि बताओ प्रोजेक्ट में पैसा कितना लग रहा है, हमने कहा 1,20,000, बोले अच्छा अगर ज़्यादा लग गया तो, कैसे लगेगा, नहीं सोच कर देखो ना भाई, कुछ भी हो सकता है,
मैंने कहा हाँ ज्यादा भी लग सकता है, और अगर प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लगा तो क्या एनपीवी में भी चेंज होगा? मैंने कहा हाँ एनपीवी तो कम हो जाएगा, निकालो कितने परसेंट से कम हो जाएगा। अच्छा ऐसी एक दूसरा फैक्टर और उठाइए, कैश फ्लो, बोलो कितने कितने प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल है? 4 साल। कितना पैसा आने वाला? मैंने कहा 45,000। बोले पक्का आएगा 45,000? मैंने कहा हाँ पक्का तो नहीं एस्टीमेट। बोले बुरा सोचो। मैंने कहा बुरा मतलब? बोले सोचो कि अगर 45,000 नहीं आता, अगर कम आता तो एनपीवी में फर्क पड़ता क्या? मैंने कहा हाँ। कितना परसेंट से एनपीवी गिरता तो कितने परसेंट से गिरता? मैंने कहा बहुत अच्छी बात। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? मैंने कहा 4 साल। बोले बुरा सोचो। बुरा मान लो 3 साल। हाँ बोले अगर 3 साल चलेगा तो एनपीवी गिरेगा, कम आएगा। मैंने कहा बोले कितने परसेंट से कम आएगा? चौथा फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। बोले बुरा सोचो। मैंने कहा कॉस्ट बुरा मतलब? मैंने कहा अगर भी बढ़ गया, हाँ अगर आपको जो पैसा है वो 10% पे नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा में मिलेगा 11% पे मिलेगा, तो एनपीवी डाउन होगा। कितने परसेंट है? और जिसमें एनपीवी डाउन होगा उस पर आपको रिसर्च की ज़रूरत है। जिस पर एनपीवी सबसे ज़्यादा डाउन होगा उसमें आपको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा कि भैया एनुअल कैश इनफ्लो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले कन्फर्म कर लो तभी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। पर इस क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट चेंज इन, कौन कौन सा फैक्टर लेना? बोले प्रोजेक्ट का कॉस्ट ले लेना, एनुअल कैश इनफ्लो ले लेना और कॉस्ट, मतलब 3 ही फैक्टर पे हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। अब सवाल ये है कि हमें बुरा बुरा सोचना पड़ेगा। बुरा बुरा सोचना पड़ेगा मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? अब भैया यहाँ तो एजम्पशन का खेल है, और जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया उनको मालूम है कि प्रैक्टिस मैनुअल में कितने परसेंट से बढ़ाया है? 10% से बढ़ाया है। तो अब क्या एनपीवी निकल चुका है? यस एनपीवी निकल चुका है। अब प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10% से। यहाँ इट मीन्स आपको बुरा बुरा सोचना है तो बोलो बट्टे पीवीसीआई तो हमको मालूम था प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 1,20,000। 1,20,000 को 10% से बढ़ाया तो कितना होगा? 1,32,000। तो ये एनपीवी आया, पर एनपीवी पहले जितना एनपीवी था उससे कम एनपीवी आया। यस तो बताओ कितने परसेंट से चेंज हो गया? 53.08% से चेंज हो गया। ऐसे एनुअल कैश इनफ्लो कितने परसेंट से? 10% से कम करना पड़ेगा। 45,000 था, 10% डाउन हुआ तो 40,500। फिर एनपीवी निकाला। अच्छा लेकिन एक समय पे एक ही फैक्टर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया एनपीवी। बोला एनपीवी डाउन हो गया, यस कितने परसेंट से? 63.08% से। तीसरा उसने क्या कहा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो पहले कितना परसेंट था? 10%। अब 10% जो है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा 10% का 10% कितना होता है? 1 10% का 10% 1। तो 1% मतलब 11% से यहाँ दिया है, एक्चुअली फैक्टर दिया है इसी वजह से मैं यहाँ 11%। इट मीन्स प्रोजेक्ट को मैं 11% से डिस्काउंटिंग करूँगा, और 11% से डिस्काउंटिंग करूँगा तो एनपीवी में चेंज हुआ कितने परसेंट से? 13.14% से। तीन चीज़ों में बोला अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता तो एनपीवी 53% से चेंज होता है, और ये 63% से है अगर कैश इनफ्लो में, और ये 13। बताओ बताओ बेटी बताओ, थोड़ा सा चेंज करने से सबसे 10% चेंज करने से सबसे ज़्यादा एनपीवी डाउन हो रहा है, सबसे ज़्यादा एनपीवी फ्लक्चुएशन हो रहा है किस फैक्टर में? एनुअल कैश इनफ्लो। तो इस एनुअल कैश इनफ्लो में हमें फर्दर रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे लिए मोस्ट सेंसिटिव है। दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन ये डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ABCD चारों पार्ट, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके अब हम लोग आगे चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन किस चीज का? ये क्वेश्चन है फॉरेक्स का। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा इंडियन कंपनी ऑप्टेन द फॉलोइंग कोट, लिखा रुपीस पर डॉलर, स्पॉट रेट दे दिया है
थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट दिया है और सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट दिया। आगे क्या लगा, कंपनी को जरूरत है डॉलर फंड, कितने मंथ के लिए, सिक्स मंथ के लिए जरूरत है। किस चीज़ की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है बेटे, डॉलर, इंडियन कंपनी है, डॉलर की जरूरत है। तो या तो वो डॉलर बोरो कर सकते हैं या रुपीज़ बोरो कर सकते हैं। सर रुपीज़ बोरो, जब डॉलर की ज़रूरत है रुपीज़ क्यों बोरो करेंगे? सर ऐसा है कि आप रुपया बोरो करो और उससे डॉलर खरीद लो, ठीक है। तो छः महीने के लिए इंपॉर्टेंट है, छः महीने, तो हमें छः महीने वाला रेट काम का, और ये थ्री मंथ वाला, सिक्स मंथ वाला, तो हमारे लिए काम का कौन सा, सिक्स मंथ वाला। आल्सो, आल्सो मतलब ये सेकेंड वाला पार्ट है, वो बाद में करेंगे। तो चलो पहले क्या, डॉलर ही बोरो कर लेते, डॉलर में ही बोरो कर लेते, डॉलर ही चाहिए, डॉलर ही मिल रहा, तो चलो डॉलर ही बोरो कर लेते। कितना डॉलर बोरो करना है, कुछ नहीं दिया लिखा यहाँ, नोट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन यू कैन टेक यूनिट डॉलर एंड रुपीज, 100 ले लेना बोले। हमने कहा ठीक है, तो 100 डॉलर बोरो कर लिया आपने, 100 डॉलर सीधा सीधा, 100 डॉलर किस रेट पर, डॉलर का रेट है 5.5%, 6 महीने का ब्याज हो गया 2.75, तो टोटल डॉलर पेबल 102.75, इतना डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। अब पे करना पड़ेगा डॉलर, डॉलर बोरो किया और डॉलर लग रहा होगा कहीं भी, डॉलर बोरो किया और उस पर हमको ब्याज भी देना है। अब जिस भी बैंक से आपने डॉलर बोरो किया उसको 6 महीने बाद इतना डॉलर देना पड़ेगा, और आप इंडियन कंपनी, तो इतना डॉलर खरीदना पड़ेगा, और डॉलर खरीदना पड़ेगा तो बैंक डॉलर बेचेगा तो 36.4 महंगे में, तो टोटल कैश आउटफ्लो मेरा आ जा रहा है 3740 रुपीस, ठीक है। अब बात आती है आगे, अगर मैं रुपया में बोरो करूंगा तो रुपया में बोरो करके मुझे 100 डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। डॉलर खरीदना है तो इस रेट पे खरीदना है 36.10 इंटू 100 डॉलर, तो इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी, इतना रुपया मुझे बोरो करना पड़ेगा, और साथ में मुझे 6 महीने बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेट, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, इतना 3817। सवाल ये है कि क्या ज़्यादा अच्छा है, रुपया में बोरो करें कि डॉलर में? अगर मैं डॉलर में बोरो करता हूँ तो 374, रुपया में 3817, तो बताओ मेरे लिए सस्ता क्या पड़ेगा? मेरे लिए सस्ता तो ये पड़ेगा, डॉलर में बोरो करो, काम खत्म करो, दैट्स इट। पहला वाला पार्ट में कुछ था ही नहीं। अगला, आल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर थ्री मंथ टू मेक द कंपनी इंडिफरेंस बिटवीन थ्री मंथ बोरिंग एंड सिक्स मंथ बोरिंग इन केस ऑफ रुपीज बोरिंग एंड डॉलर बोरिंग। सर है क्या चक्कर बेटे, ये तो फॉरवर्ड रेट, FRA नाम सुना, FRA में क्या होता था, मैं FRA की बात कर लूँ सीधा सीधा, अब सुनना देर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो रुपया पे ध्यान देना, रुपया, रुपीस, ये रेट अच्छे से देखो। हाँ सर, थ्री मंथ इंटरेस्ट रेट, सिक्स मंथ इंटरेस्ट रेट, जैसे मैं रुपया का करूँगा वैसे आप डॉलर का कर लीजिएगा। अगर मैं कहाँ बनाऊं, यहीं बना देता हूं, अगर मैं रुपया उधार लेता हूं सिक्स मंथ के लिए, ये जीरो पीरियड है, ये थ्री मंथ है और ये सिक्स मंथ है, 100 रुपये उधार लेता हूं 6 महीने के लिए, तो मुझे किस रेट पे मिलेगा, मुझे मिलेगा 11.5% 11.5% 11.5% मतलब 100 × 11.5 × 6/12 मतलब 5.75%। अगर मैं 100 रुपये ध्यान से समझना, अगर मैं 100 रुपये उधार लेता हूँ या जो भी मैं जमा करता हूँ, तो 5.75% के हिसाब से जमा करता हूँ, ऐसे समझ लो जमा करता हूँ, तो 100 रुपये 5.75% के हिसाब से, 100 × 5.75% प्लस 100, तो यहाँ जाके हो जाता है 105.75, ठीक। लेकिन मैं यहाँ 100 रुपये ऐसे सिर्फ 3 महीने के लिए उधार लेता हूँ, तो 12%, तो 3 महीने का कितना परसेंट होगा, 3%, तो यहाँ हो जाता है 103 रुपये। यहाँ तक ठीक है सर? इसका मतलब अगर देखो मैं 6 महीने के लिए भी उधार ले सकता हूँ, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए भी उधार, अगर 6 महीने के लिए उधार लेता हूँ तो 11.5% ब्याज है, उसको मैं ऐड कर दूंगा ब्याज सहित, कितना आ रहा है 105 रुपये 75 पैसे।
और अगर 3 महीने के लिए लेता हूं तो कितना आ रहा है, 103 रुपए। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं इस रूट से जाता हूं, तो पहले 3 महीने के लिए जमा करता हूं, फिर और 3 महीने के लिए जमा करता हूं, तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि ये 103 यहां जाकर कितना हो जाए, 105, इनडिफरेंस हो जाए। इट मीन्स मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, 105.75 माइनस 103, मुझे चाहिए 2.75 इंटरेस्ट। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल सकता है? यस, यह निकाल रहा हूँ, 2.75 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 100, और ये कितने महीने का है, 3 महीने का, तो मुझे पर एनम बेसिस पे दिखाना है, देख लेते हैं, 2.75 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 10.67%। ये आपका आंसर है 10.68%। पर ये सब समझाने का के लिए ना लंबी क्लासेस चाहिए, और आपको तो और भी टीचर और भी पढ़ा होगा, तो एक बड़ा वाला फैक्टर छोटा वाला फैक्टर ऐसा भी याद होगा, सर क्या होता है बड़ा वाला फैक्टर, बेटे कुछ है नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये सब इक्वेशन की ज़रूरत पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये इक्वेशन दिया है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 11.5%, और ये कितना है, ये 3 मंथ का, तो 3 मंथ का कितना हो गया 3%, और यहाँ कितना हो गया 5.75%, तो बड़ा वाला फैक्टर ये हो गया, तो 1.0575 डिवाइडेड बाय 1.03 इंटू 100, इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। आपको मैं FRA की क्लास है मेरी, उसको अगर आप ठीक से देखोगे ना तो बात समझ में आ जाएगी, तो यहाँ वहाँ से कवर कर लीजिएगा। मैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो यही इंडिफरेंस पॉइंट पूछा था, वो इंडिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, ये दिया 10.68% और 4.93, किस किस का, रुपीज़ रुपीज़ का अलग निकाल लेना, डॉलर का अलग निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे चले, यस सर आगे चल रहे हैं, ये लीजिंग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B। क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा सा लीजिंग का मैं स्पीड से, क्योंकि लीजिंग का मेरा पूरा लेक्चर डला हुआ है, और ये क्वेश्चन तो है ही उस लेक्चर में, ये क्वेश्चन PM से उठाया गया है। देखा, ABC लिमिटेड को आपको मशीन चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए। ठीक है, कंपनी लीजिंग अरेंजमेंट है, आप बोरो कीजिए और मशीन को खरीद लीजिए, और लीजिंग कंपनी को लीज रेंट मिलेगा 2,40,000, कितने साल, 5 साल, एंड लिखा है, एंड। ठीक है, तो सर आप लीज रेंट लीज पर ले लीजिए, दूसरा अल्टरनेटिव कि आप परचेस कर लीजिए, परचेस करोगे तो कितने का, 10 लाख का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% लोन और इक्वल इंस्टॉलमेंट है बोला है, तो वो हम काम कर लेंगे, और हर एक इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होगी वो कब होगी, बिगनिंग ऑफ ईच ईयर होगी। ठीक है, बाद में हम इसको 5 साल बाद 2 लाख रुपये का भेज देंगे, टैक्स क्रेडिट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिए 10%। बताइए मशीन को खरीदोगे कि लीज पर लोगे, तो सबसे पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, वो निकाला 10 लाख डिवाइडेड बाई PVAF किया, ये कैसे किया होगा मालूम है ना आपको, 12% 5 साल का मत लेना, 4 साल का, और 0 पीरियड का 1, क्योंकि बिगिनिंग बोला है। ठीक है सर, बाकी आपको ये लेक्चर डला हुआ तो आप वहाँ देखते हैं, इंस्टॉलमेंट आ गई, और ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, बेटे इसमें एक टेबल बनना, वो टेबल भूल गया ICAI बनाने के लिए, ये सब, ये सर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, ये एक टेबल से आता है, और वो टेबल आपके इंस्टॉलमेंट लीजिंग में भी आपने पढ़ा होगा, AS 19 में भी ये बात टेबल पढ़ा होगा, पर फिर भी डिस्क्रिप्शन में आप लीजिंग का, मैंने इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको शेयर कर दिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो भाई एक तो आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा, इसी में ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकला होगा, डेप्रिसिएशन 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, इस पर टैक्स सेविंग हो गया, कैश आउटफ्लो कैसे आया होगा, दिस माइनस टैक्स सेविंग कर लिया, तो ये कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये आ गया, और 2 लाख सैलवेज, 2 लाख आएगा भी, तो वो भी आपका यहाँ हो गया, माइनस करने के बाद इतना आ गया। इट मीन्स मैंने बहुत स्पीड से क्यों ले गया इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, इट मीन्स अगर आप लीज पर नहीं, अगर आप बोरो कर खरीदते हो, तो ये अगर आप लीज पर लेते हो तो 2,40,000 लीज रेंट है, टैक्स नेट ऑफ टैक्स कर लीजिए और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आके बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा है। सर हमारे लिए तो लीज ही अच्छा है, यस, क्योंकि इसमें कम आ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल वायबिलिटी बताइए, अगर
लेसर के पॉइंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट लेना 12%। लेसर क्या करता है, लेसर क्या करता है, मशीन खरीदता और लीज पे देता। मशीन खरीदेंगे तो कैसा उठलो कितना कैसा उठलो चेक कर लेते। 10 लाख गया। पर अगर मशीन खरीद रहे हो तो हमको लीज रेंटल की इनकम भी तो होगी, और इनकम कितनी होगी 2,40,000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये हो गया। इसके अलावा टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन भी 1,60,000। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, हम चार्ज करेंगे लेसर, तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन भी ले लोगे आप, और सेल्वेज भी हम मशीन बेचोगे, तो ये मेरा होगा कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये आउटफ्लो है तो एनपीवी नेगेटिव है, एनपीवी नेगेटिव है तो क्या हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं, हमें प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो टोटल मिलाकर यहाँ कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन अभी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने बचे हैं, 4 क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगले वीडियो में बचे हुए 4 क्वेश्चन निपटा देते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं समझा नहीं रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बस डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए हमें काफ़ी है, ठीक है जी, थैंक यू। तो अगले लेक्चर में बचे हुए 4 क्वेश्चन करेंगे।